गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभिनव को मान्यता मिली आचार्य गुरुवर, वो था यथार्थ में अलौकिक ज्ञान का सार। जितने भी उस सभा में उपस्थित थे गुरु शिखर आचार्य अभिनव गुप्त थे उन सब से कम उम्र। आंखों में आध्यात्मिक कुमार, माथा त्रिपुंड से संवार, कर्णाबंध शत्रु द्राक्ष थे, केश बंध था पूर्व का हार। सब शास्त्रों का था वो ज्ञाता और विद्याओं का भंडार, शैव दर्शन में निपुण शिव जी का तरफदार। पति परायण भार्या उसको मिली विमल कला, सर्वगुण संपन्न व गृहिणी रूप से ही छोड़ा। नाम उसका छा गया था हर नगर हर ग्राम में। कुछ समय के बाद उनमें ये इच्छा प्रबल हुई, योगिनी भूपुत्र हो उनका गुणी सबसे कुशल। कुलयाग के उपरांत उनका भाग्य ऐसा खिल गया, पुत्र धन अभिनव सरीखा योगिनी भू मिल गया। ज्ञान की बढ़ती तपिश में जब अधूरा पा लिया, कश्यप ऋषि की भूमि को तब छोड़ने का मन किया। परिपक्व होकर हर विद्या में कर लिया उसने कमाल, रहस्य की कुठिया खुली उज्जवल उसकी हुई मशाल। सत्य को मन की कसौटी पर परख कर डाला शोध, योग साधन में उपायों से कराया आत्मबोध।